हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो भाई अभी आ चुका है, थोड़ा मुझे काम था, 3-4 दिन ब्लॉग नहीं है, इसके लिए सॉरी। क्योंकि जब हमें मीटर लाना है, मीटर रिप्लाई करना था ना, तो पहले वो फार्म पूरा बना रहा था मैं, तो अभी जा रहे हैं घर को। तो आ गया, 4 दिन बाद आया नानी घर से, तो पीछे रहा अंशु। तो अभी जाएंगे पिज़्ज़ा लेने। इसने भी न्यू साइकिल ले लिया, दिखाता हूँ बैक कैमरे से। इसने ये लिया साइकिल नया, तो एक ये हो गया, एक वही हो गया। तो चलते हैं भाई। 2 बारी गिर गया, बोलते क्या साइकिल की ब्रेक नहीं थी, आगे गाड़ी थी बीच में खड़ी, तो बच गया। आगे मिलते हैं आपको। तो आज जहाँ पर निशान जी होगी, रास्ता निकलेगा ना, उधर सड़क पड़ रही है। तो एक बात और दिखाता हूँ, आगे ना सड़क पड़ गई है, इधर से जाना। अगर दिखाता हूँ, आगे ना सड़क पड़ चुकी है पूरी, A to Z सड़क पड़ गई है। मज़ा आ जाएगा अब तो साइकिल चलाने से। गलती कर, तो भाई हमने गलती कर दी, हमें उधर से आना चाहिए था, उधर पड़ चुकी है। लुक वीडियो में लोगों को दिखाता हूँ आगे कहाँ लुक पड़ चुकी है। ओ भाई भाई, 17 तक स्कूल में छुट्टी, 18 को पहला स्कूल है। ओ भाई 18 से स्कूल शुरू मेरे, कितने 13 हाँ छोटे चले। वो भाई आ रही है ना, कितनी सारी गाड़ियाँ। मैंने जैसे कि आपको बताया, आज होगी यहाँ पर रास्ता निकलेगा ना सड़क पड़ने के लिए, निशान जी होगी यहाँ पर, देखना आगे पूरी गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। पटवार खाने भी काफ़ी भीड़ है, तो चलते हैं। भाई आगे बढ़ चुका पूरा लोग का, तो सामने जा रहे हैं धीरे। तो अंश तो काफ़ी पीछे रह गया, थोड़ा आगे देखना कितनी गाड़ियाँ। ओ भाई आगे थोड़ा डर, इधर पड़ चुकी सड़क, दिखाता हूँ कहाँ पड़ी वो देखता हूँ। तो वो देखो सामने रही लुक, उसमें लुक ट्रक में। तो पीछे से दिखाता हूँ, ये सामने दिखाई दे रही ना, उधर से पूरी लुक डल चुकी है, इसमें भी है थोड़ी लुक बीच में पूरी ऊपर उधर पड़ चुकी है। तो आगे चलते हैं सड़क की तरफ, तो पिज़्ज़ा शोरूम में मिलते हैं सीधा चल कर आपको। तो मेन रोड पर तो पहुँच चुके हैं, तो फोन छोड़ने दिक्कत हो रही है क्योंकि पिछली ब्रेक नहीं है साइकिल की, अगली ब्रेक है, तो उससे ही साइकिल चलाना पड़ता है। अगली ब्रेक से 2 बार तक गिर गया अपने गोल पे भाई, फोन दिक्कत हो रही है फाड़ने के लिए। बस पिज़्ज़ा शोरूम बस पहुँचने वाले हैं, पूजा करेंगे पहले, पिज़्ज़ा ऑर्डर पैक कराएंगे, घर को लेकर चलेंगे। तो देखते हैं कौन सा पिज़्ज़ा लेते हैं, कौन तो खाएंगे नहीं, कौन तो बहुत बारी खा ली हमने, कौन भी नहीं खाएंगे, देखते हैं और कौन सा उधर पिज़्ज़ा है। तो बाकी तो उधर चलकर लगेगा पता कौन सा पिज़्ज़ा कौन सा नहीं है। ओ भाई बस पिज़्ज़ा शोरूम पहुंच चुके हैं, तो सामने रहा पिज़्ज़ा शोरूम, तो वो रहा सामने पिज़्ज़ा शोरूम। तो चलते हैं आगे पिज़्ज़ा शोरूम। ओ भाई अपना साइकिल लगाते हैं, तो फाइनल पहुंच चुके हैं पिज़्ज़ा शोरूम। तो पहले लेते हैं पिज़्ज़ा, फिर आपको मिलते हैं। तो भाई जो पीछे गिटार पे तो जो पीछे रहा गिटार, अब इसे बजाएंगे, आंचू बनाएंगे अभी वीडियो। इतना बजाने नहीं आता, तो इतनी भाई मस्त हो जा रहा मैं बजाता हूँ, तो मिलते आपको थोड़ी देर में। तो भाई अभी होने लगा पिज़्ज़ा पैक, तो काफ़ी देर में लगे, बस कम से कम 5 मिनट लगे थे रेवन। तो जो लोकेशन तक आए मुबारकपुर, जब आते हैं ना मुबारकपुर नीचे उतराए होते थे धौलपुर रोड को, धौलपुर रोड जैसे उतराई ख़त्म हो गई ना, तो सामने पिज़्ज़ा बोर्ड लगा इनका बाहर, तो आकर पिज़्ज़ा दें। जे इनकी फास्टिंग इतने काम तेज करते हैं ना, कि हम 10 मिनट में या 5 मिनट में पिज़्ज़ा बना के तैयार हो गए। मैं परसों शहर पर गया था, उन्होंने टोटल आधा घंटा लगा दिया पनीर पिज़्ज़ा किया उन्होंने अभी ऑर्डर, तो अभी तैयार हो गया पैक किया। तो ये तो हर कोई तुझसे बाहर जाए हमने अपने, तो इसने देख रहा हूँ सॉस मंगा दी, इतनी थी इतनी कर दी इसने, इतना बुक कर हो गया।
तो मिलते हैं थोड़ी देर रास्ते में चलते वक्त। फाइनली पिज़्ज़ा आ चुका घर पे। वही इधर से देखा, ये देखो पनीर पिज़्ज़ा लिया हमने। वही खोल के देखें, इसमें शायद 6 पीस है, नहीं 1 2 3 4 5 पीस है। अभी इससे करेंगे कट, फिर आपको मिलते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना देखने के लिए। तो व्हाट्स अप गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं नानी के घर। तो ये रहा मामी कलर का। तो अभी आया दुकान पे, तो बैग है अपने, दिखाता हूँ बैग। अंब का अड्डा जो नहीं होता या बस स्टैंड है, वो दिखाता हूँ बैग का। कुछ इस तरह से अड्डा कोई, अभी चलते हैं पीछे जी नाना जी की दुकान है। मैं हूँ, ये मेरी दुकान है, तो मेरे दादू की है। तो मैं अभिनव ठाकुर का भाई हूँ, जो कि ब्लॉग अभी शुरू कर रहा है। तो ये नाना की दुकान है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके ब्लॉग्स को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। तो आगे आपको नवी हमारी दुकान में बताएगा इधर क्या क्या है। तो भाई इधर से बोल होता जाओ क्या नाम, आप जो सरसों का तेल होता है तो इसमें से निकलता है, निकलता है। चलो इसे पूरा पता है, इसे लेना है पूरी डिटेल। इससे गाइस शर्मा जाती है ऊपर को और यहां से जाती है। जब निकालेंगे तो मैं वीडियो दिखाऊंगा इसका। तो इसके बीच में से ये इधर आती है गाइस, इधर बनती है, ये इधर बनती है और इधर से खाल बनकर आती है नीचे तसले में। तो नीचे इधर निकलता तेल। तो गाइस ये है एक, ये मशीन हमारी जो खराब हो चुकी है, और ये तो आपको पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं। जी जिसको पता होगा कमेंट में जरूर लिखें ये क्या चीज है। ये रहा तेल बीच में मैल दे, ठीक है इधर बताना भैया, देखना गाइस ये क्या क्या चीज है। तो आप कमेंट में लिखना कि ये क्या चीज है। तो ये देखो गाइस, मैं इसकी कुल्फी बनाता हूं। ये देखो गाइस आया पीछे, तो उधर है आता चक्की। तो बाकी ये दुकान रही, इधर आना भैया, पीछे पीछे का व्यू दिखाता हूँ, पीछे मस्त है भी वैसे तो। इधर से चलते हैं हम, तो अब इस बूटिया कमरे में आ चुके हैं। तो अब हम पीछे से जा रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं। गाइस ये बड़ा ही बूटिया, तो पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। तो सामने कोई होटल है, वो शायद होटल है, पुलिस वाला है जहाँ पर पुलिस रहते हैं। तो अभी तो ये बन रहा है, इसके ऊपर पेंट हो रहा है। तो भैया इधर दिखाना, बाकी इधर का तो मस्त है, ये होटल है दिखाता हूं। और नीचे जाकर दिखाता हूं, ये पता क्या है, जो गन्ने का पोनी होता गुल्ला, ये तो खड़े में फेंक देते सारे इधर इकट्ठे करके। और ये गाइस ये देखो होटल है, और देखो गाइस कितना बड़ा जगह। हम कहां घूमने आते हैं भाई, मुझे इतना कुछ पता नहीं। मेरा एकदम ही प्लान बन गया कल नानी घर को आने को, मैं चलते हैं घर पर, क्या करना, मैंने 4 छुट्टियां तो पड़ गई है स्कूल में, चलते हैं। तो गाइस ये देखो, हेलो गाइस ये है पीछे होटल स्नैकर। तो अब हम आगे आ रहे हैं, आगे कुछ दिखाते हैं। भंग लगी है ज्यादा, ये इधर काटता नहीं है कोई गाइस। तो गाइस एक मकान है स्लॉट वाला, वो भाई तो आगे का भी कुछ ऐसा है। वो देखो गाइस मंदिर, आगे मंदिर कैमरा मस्त आ रहा है, देखना कितना अच्छा रहा गाइस आज मौसम भी कितना सुहाना है। बाकी दिखाते हैं वो टावर कितने नज़दीक है, दो इकट्ठे टावर लगे दिखा गाइस, हम दो इकट्ठे टावर। बाकी आगे जाने के हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो इसको जानते होंगे, ये मगर है। तो जो जो मगर, जो वो अंकल है ना, आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनना कितनी अच्छी है। चलो कहानी सुनते हैं उनको, वो कहानी इतनी सुंदर दिखाते सुनाते हैं। एक दिन मुझे भूख लगी, मैंने मेरा पेट तो भर गया, वो अभी आधी बचेगी बीच में थाली में चावल, तो इन्होंने मुझे बातों में चावल पूरे खिला दिए। तो अब दिखा, तो शायद इधर ये, तो ये कुछ अंकल हैं। तो अंकल पूरी ही कहानी सुनाते हैं। तो ये अंकल तो अपना तंबाकू खा रहे हैं। अंकल वो गाने से सुनाओ, यहाँ बैठो मेरे पास। तो जय अंकल पूरी हमें कहानी सुनाएंगे, देखिए जय सुनाएंगे कहानी, सुनाना। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं जो वो प्यार करते नहीं। तो बाकू खा रहे ये बच्चे भी ऐसा, मतलब प्यार करना चाह रहे हैं,
इसके लिए इन्हें तम्बाकू खाना पड़ेगा रगड़ के, ताई अंदर से जब तम्बाकू खाएंगे ताई प्यार जगेगा। ये हरियाली में बैठे हुए बच्चे और देख रहे हैं हरियाली में कितनी गर्मी है, एक छोटा बच्चा है एक बड़ा बच्चा है, छाए में बैठे हुए इनको लिए कोई काम नहीं, इनके लिए काम बताते हैं। वो देखो पीछे टॉमी आ रहा है, खाना लेके आ रहा है। भाई साहब आज तो टॉमी ने बड़ा हाथ मारा है, तो देखो टॉमी आज क्या लेके आ रहा है। भाई जी कभी खाना खा के कोई भी दाना खाना नहीं छोड़ना चाहिए, जब छोड़ोगे तो रात के 12-1-2 बजे भूत और आत्माएं आपको परेशान करेंगी, आपके पेट में जितने कीटाणु हैं सारे मार देंगे। याद रखना कोई भी अगर दाना पाना खाने छूट गया तो समझ ले इंसान धरती से छूट जाएगा। सोचो समझो इतना खून पसीना भाग कर भी अगर खाना छोड़ो तो फायदा क्या है, इसलिए तम्बाकू खाओ और खाने को छोड़ो मत। अच्छा बिस्मिल्लाह भाई, गल क्या पूरी गल बोलो, आधी मत बोलो, आधी मत बोलो, आधी में कोई परदेसी परदेसी जाना नहीं। कौन है परदेसी आपको बिस्मिल्लाह भाई गाना नहीं आता? और ये भाई जी सारे देखने आए चंदनपुर का मेला, मेले में आप भटक गए हो पर हम नहीं भटके, बाल के बाल के तू भटक गया है। चलो अब चलते हैं चंदनपुर के मेले में। मैं उस दिल छोड़ आया, अमला पागल हो गया उसकी जुल्फ। तो भाई ये भाई मीरे के दिन कहानी सुना रहे थे ना, मैंने जैसे पहले बता दिया आपको, तो ये कहानी भी अच्छी सुनाते हैं, बाकी तो आपको पता ही तम्बाकू खा रहे थे। पर तो गाइस मैं भी ये गाना गाना चाहता हूँ, आज निकला लगती लेके। तो ये तो नकदम की बहुत है, तो बाकी देखते हैं वीडियो कितने मिनट की हुई, फिर तो एंड करनी पड़ेगी, पहले देख लेते हैं वीडियो कितने मिनट की हुई, फिर जब पहले एडिटिंग भी कर लेते हैं तो थोड़ा सा स्टार्ट, तो आपको एडिटिंग कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। हेलो भाई, वीडियो बन चुकी है 12:30 मिनट की, तो बाकी करते हैं ब्लॉगों को एंड, मिलते हैं जल्दी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज की वीडियो पसंद लगी तो लाइक करना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।